अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे हमें चैप्टर लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट पे, और उसके जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी फर्दर डिस्कशन को स्टार्ट करें, आप सबसे यह है कि आप इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, उसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ओके, अब हमने वो डिस्कशन कर ली डिफरेंट। नाउ हम डिस्कस करेंगे अपना सेक्शन 5.3, जिसके अंदर हम बात करेंगे द लिक्विडिटी स्केल ट्रेड ऑफ। कि इसमें हमने ये देखना है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको जो है तो ऐसा ट्रेड ऑफ या ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़ती है कि वो या तो मोर लिक्विडिटी की तरफ जाए या जो है वो हायर स्केल की तरफ जाए, मीन उसका इन्वेस्टमेंट का साइज बड़ा हो, तो वो उसमें किस चीज़ को प्रेफर करेगी। तो हमने अब इसमें ये देखना है कि ये आप लिक्विडिटी और स्केल इसके दरमियान बैलेंस जो है वो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो है वो हमारा जो मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो यही है कि हम लिक्विडिटी और स्केल के दरमियान जो ट्रेड ऑफ है, उनके दरमियान जो बैलेंस मेंटेन करना है, हम इसकी जो है वो बात करेंगे। द फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मॉडल इज हैंडी टू इलस्ट्रेट द ऑप्टिमल टर्म स्ट्रक्चर ऑफ डेट फॉर कैश रिच फर्म एंड क्रेडिट लाइन ऑफ पुअर कैश पुअर फर्म। तो हमने जो फिक्स इन्वेस्टमेंट की हमने जो मॉडल की बात की थी, इसमें जो हमारा ऑप्टिमल टर्म स्ट्रक्चर है डेट के लिए है कि जो कैश रिच फर्म के लिए होगा या कैश पुअर फर्म के लिए होगा, वो बड़ा हमारा अच्छे तरीके से वो उसको एक्सप्लेन किया जा सकता है, इलस्ट्रेट किया जा सकता है। बट फॉर अदर पर्पजेज इट इज़ टू सिंपल इन डैट देर इज नो अदर मार्जिन दैट द एंटरप्रेन्योर कैन ट्रेड ऑफ अगेंस्ट लिक्विडिटी। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा इशू ये है कि इसमें कोई और ऐसा मार्जिन नहीं है जो एंटरप्रेन्योर जो है वो ट्रेड ऑफ कर सके, मीन लिक्विडिटी के अगेंस्ट और कौन सा जो है वो कोई अदर एस्पेक्ट जो है वो ले सकता है। व्हेन फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट साइज इज वेरिएबल एज वी नाउ अज्यूम द एंटरप्रेन्योर फेसेस अ चॉइस बिटवीन अ लार्जर इन्वेस्टमेंट एंड मोर लिक्विडिटी। क्योंकि फिक्स इन्वेस्टमेंट में तो उसका मतलब ये था कि इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है, आपने उतनी इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है, तो लिहाजा आप स्केल का कोई फैक्टर नहीं था, आपका स्केल सेम ही था, आपने उतनी ही इन्वेस्टमेंट करनी है जितनी कि वो रिक्वायर्ड है। और अगर जो है जो अब हम केस डिस्कस करने लगे हैं जिसमें हम लिक्विडिटी स्केल ट्रेड ऑफ की बात करेंगे, इसमें हम वेरिएबल इन्वेस्टमेंट साइज की बात करेंगे कि आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो कम इन्वेस्टमेंट वाला प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, अब एंटरप्रेन्योर के पास एक ऑप्शन है कि सपोज अब इन्वेस्टर जो है जो एंटरप्रेन्योर है वो उसने जैसे मैं लास्ट एग्जांपल में हम डिस्कस कर रहे थे कि उसने 10 लाख एक्युमुलेट कर लिया, उसने 1 लाख शेयर इशू किए, ₹10 पर शेयर प्राइस रखी और 1 लाख शेयर इंटू ₹10 पर शेयर प्राइस उसके पास 10 लाख जो है वो आ गया। अब उसके पास ये ऑप्शन है, वो चाहे तो 10 लाख का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर ले, चाहे तो वो 7 लाख का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर ले। तो अब इसका मतलब ये है कि उसके पास ये ऑप्शन है कि या तो वो इन्वेस्टमेंट साइज को बड़ा रखे, अगर वो इन्वेस्टमेंट साइज को बड़ा रखता है, फॉर एग्जांपल वो 10 लाख का प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो लिक्विडिटी कम हो जाएगी, या सेकंड हमने जो चॉइस की बात की कि जी वो 7 लाख का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर ले, अगर 7 लाख का प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा तो इन्वेस्टमेंट साइज तो कम होगा लेकिन लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, उसके पास 3 लाख का ऑप्शन होगा जिसको फर्दर आगे री इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो अब ये हमारा लिक्विडिटी स्केल ट्रेड ऑफ में हमारा जो कंसर्न है वो यही है कि हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो वेरिएबल है, आपके पास 2-3 डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप डिफरेंट साइज की इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं। सो दिस सेक्शन फोकसेस ऑन कैश पुअर फर्म एंड एक्सटेंड्स द मॉडल ऑफ सेक्शन 5.2 टू इंक्लूड अ वेरिएबल इन्वेस्टमेंट साइज इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द लिक्विडिटी स्केल ट्रेड ऑफ विच आल्सो अप्लाई टू कैश रिच फर्म। तो इनिशियली हम इसमें जो कैश पुअर फर्म्स की बात करेंगे, और हमने जो अपना 5.2 के अंदर जिस मॉडल को हमने डिस्कस किया
हम उसके अंदर अब फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बजाय हम वेरिएबल इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, और इस वेरिएबल इन्वेस्टमेंट साइज को यूज करते हुए जो लिक्विडिटी स्केल का ट्रेड ऑफ है हम उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और उसमें जो है वो ये जो हम कैश पुअर फंड्स के लिए जिस मॉडल की बात करेंगे, ये मॉडल जो है वो कैश रिच फंड्स के लिए भी इसी तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। द फर्म मस्ट सेक्रीफाइस स्केल इन ऑर्डर टू बेनिफिट मोर लिक्विडिटी। तो ये जैसे हमने पहले भी बात की है अभी कि अगर फर्म जो है वो लिक्विडिटी लेवल ज़्यादा रखना चाहती है उसको अपना इन्वेस्टमेंट का स्केल कम करना पड़ेगा। मीन्स आपके पास 10 लाख आया है, अगर 10 लाख इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो साइज बड़ा होगा, स्केल ज़्यादा होगा, लिक्विडिटी कम होगी। अब अगर आप लिक्विडिटी ज़्यादा रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ कैश आपको रिजर्व में रखना पड़ेगा, आपको 7 लाख इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, 8 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो भी डिफरेंट ऑप्शन अवेलेबल है। तो जब भी आप लिक्विडिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं आपको अपना स्केल डेफिनेटली जो है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब इसके बाद अगर हम फर्दर जो है वो इसकी डिस्कशन की तरफ जाएं, 5.3.1 द टू शॉक केस। अब हम इसमें टू शॉक केस की बात करेंगे। सो वी कंसीडर द वेरिएबल इन्वेस्टमेंट मॉडल एंड एडेड अ लिक्विडिटी शॉक एंड एन इंटरमीडिएट स्टेज। तो इसमें वो हम ये ज़ूम करेंगे कि हमारे पास वेरिएबल इन्वेस्टमेंट मॉडल है और उसमें हम लिक्विडिटी शॉक एट इंटरमीडिएट स्टेज पे बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसको फर्दर डिस्कशन करें हम इस मॉडल की बात करते हैं कि मॉडल की जो फिगर है हमारे पास उसको डिस्कस करते हैं, फिर हम इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास मॉडल होगा, ये फिगर 5.3 है हमारे पास, जिसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो एंटरप्रेन्योर जीरो टाइम पीरियड पे एंटरप्रेन्योर हैज वेल्थ ए, एंटरप्रेन्योर के पास वेल्थ ए है एंड ही इन्वेस्ट आई एंड बोरोज आई माइनस ए। ये वही स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास इनिशियल वाला कि एंटरप्रेन्योर के पास जो है वो वेल्थ ए एसेट्स मौजूद हैं और उसने इन्वेस्ट करना है आई, और आई बड़ा है, आई ज़्यादा है, वो क्या करेगा, आई माइनस ए जो डिफरेंस होगा वो बोरो कर लेगा जो अमाउंट उसको फर्दर रिक्वायर्ड है। और अगर हम वन टाइम पीरियड पे जाएं जो इंटरमीडिएट स्टेज है, फर्म इज इंटैक्ट, ये फर्म इंटैक्ट रही है, फर्म को जो है कोई मसला नहीं हुआ, फर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड नो री इन्वेस्टमेंट नीडेड, तो किसी भी री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस लैम्डा। ये साइंस हम लैम्डा इसको जो है प्रोनाउंस करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ये है कि फर्म इंटैक्ट रही, फर्म के कैश फ्लोस ठीक रहे और उसको री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसको री इन्वेस्टमेंट के लिए कैश की ज़रूरत, कैश एक्युमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 माइनस लैम्डा है। एंड सेकेंड ऑप्शन क्या है, द फर्म इज डिस्ट्रेस्ड, दैट इज री इन्वेस्टमेंट पी पर साल्वेज यूनिट विद प्रोबेबिलिटी लैम्डा। फर्म डिस्ट्रेस्ड है, उसको कैश शॉर्टेज हुई, लिक्विडिटी शॉक फेस करना पड़ा, उस सूरत में जो है वो उसको री इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, वही वो प्रोबेबिलिटी, ये टैली प्रोबेबिलिटी पी जो है वो रिक्वायर्ड होगा और इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो लैम्डा है। मीन हमने कहा कि जी डिस्ट्रेस्ड के लिए लैम्डा का प्रोबेबिलिटी है और इंटैक्ट के लिए जो है वो 1 माइनस लैम्डा जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो प्रोबेबिलिटी इंटैक्ट के लिए होगी। और अगर इस केस के बाद ये मॉरल हैजर्ड, जैसे मैंने पहले भी कहा था मॉरल हैजर्ड का केस है कि ये ऑप्शन है एंटरप्रेन्योर के पास, वो चाहे तो बिहेव करें चाहे तो मिसबिहेव करें, तो इसमें हमारे पास अगेन वही प्रोबेबिलिटी है सक्सेस आर पर यूनिट विद प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, इसमें आप जो है वो पी प्रोबेबिलिटी है और उसमें केस में रिटर्न आर होगा कैपिटल, एंड फेलियर जीरो और आपके पास रिटर्न जीरो हो सकता है विद प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस पी फॉर द साल्वेज इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारे पास मॉडल है, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, इसके आप वैल्यूज को लिख लेंगे, तो इसके अंदर जो है वो अब हम इस मॉडल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि इसके अंदर हमें किन चीज़ों के ऊपर किन पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम अपनी उसी स्लाइड की तरफ वापस जाते हैं। सो we consider the variable investment model and added a liquidity shock at an intermediate stage. This liquidity shock amounts to a cost overrun
दैट इज प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ लिक्विडिटी शॉक, कितना होगा ये जितनी आपकी कॉस्ट बढ़ गई है या जितनी आपकी इनकम कम हो गई है उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो री इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी टू डेवलप आवर इंस्टीट्यूशन. लेट अस बिगिन विद द केस इन विच देयर आर ओनली टू पॉसिबल वैल्यूज फॉर द लिक्विडिटी शॉक. इसमें हम ये अज्यूम करें कि आपका लिक्विडिटी शॉक की दो ही वैल्यूज अवेलेबल है, दो ही पॉसिबिलिटी है, जीरो विद प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस लैम्डा, के आपके जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड हो, मीन आपकी फर्म इंटैक्ट रहे और उसमें जो है वो आपको किसी भी री इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, री इन्वेस्टमेंट जीरो चाहिए, वहां पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो वन माइनस लैम्डा हो. और सेकंड आपकी डिस्ट्रेस्ड है जिसमें जो है वो आपको ये इतनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी टेलिक बी विद प्रोबेबिलिटी ऑफ लैम्डा एंड सी फिगर 5.3. तो ये 5.3 से हम ये पॉइंट दे रहे हैं. वी विल से दैट द फर्म इज इंटैक्ट व्हेन इट डज नॉट नीड टू रीइन्वेस्ट. तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर किसी फर्म को रीइन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी है तो इसका मतलब यह है कि फर्म इंटैक्ट है, फर्म की जो फोरकास्टिंग थी वो ठीक रही है, उसको रीइन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी. एंड इन डिस्ट्रेस when it needs to reinvestment, when it needs to reinvest p per unit of investment. और ये in distress है जब उसको reinvestment की जरूरत पड़ी. तो ये term हम पहले भी हमने भी discuss कर ली है कि अगर firm को जो है वो reinvestment की जरूरत नहीं पड़ती तो उसका मतलब है firm intact है, और अगर उसको जो है वो reinvestment की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब जो है firm in distress है. So except for this random shock, the model is identical to the variable investment version of section 3.4. So हमने जो chapter 3 में और बात की थी variable investment model की, तो ये model almost same है जो हमने section 3.4 में जो model discuss किया था. The difference ये है कि हमने इसके अंदर जो है random shock जो है वो include कर दिया है, insert कर दिया है. Continuation, which is contingent on reinvesting PI if the firm is in distress, is subject to moral hazard. अब अगर आप project को continue करते हैं जिसमें आपको PI जो है वो आपको reinvest करना है जब firm distress में होगी, तो ये moral hazard के साथ है. हमने discuss किया था कि reinvestment के बाद भी चूंकि जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाता है, उसके इंसेंटिव कम हो जाते हैं, तो वो उसके बाद ऑप्शन होती है बिहेव या मिसबिहेव की, जिसको हमने मोरल हैजर्ड से जो है उसको आइडेंटिफाई किया था. द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज PH इफ द एंटरप्रेन्योर बिहेव्स. अगर एंटरप्रेन्योर बिहेव करेगा तो प्रोबेबिलिटी जो है वो PH होगी, एंड पी एल इफ शी मिसबिहेव. अगर एंटरप्रेन्योर जो है वो मिसबिहेव करेगा तो पी एल होगी. द प्राइवेट बेनिफिट ऑफ मिसबिहेविंग इज बी आई. अब अगर जो है वो एंटरप्रेन्योर मिसबिहेव करेगा तो प्राइवेट बेनिफिट जो है वो बी आई से हमने उसको लेबल किया था. द प्रोजेक्ट यील्ड आर आई इन द केस ऑफ सक्सेस. अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो आर आई होगा एंड जीरो इन द केस ऑफ फेलियर, और अगर प्रोजेक्ट फेल हो गया तो जीरो मिलेगा. नो डैट वी फोकस ऑन पॉलिसीज डेट रेस्क्यू इधर द इंटायर इन्वेस्टमेंट और नन ऑफ इट इन द केस ऑफ डिस्ट्रेस. तो अब हम उन पॉलिसीज की बात करेंगे जो आपकी या तो कंप्लीट इन्वेस्टमेंट को सेफगार्ड कर रही होंगी, आपकी कंप्लीट इन्वेस्टमेंट को रेस्क्यू कर रही होंगी, या जो है फिर उसके बाद इन द केस ऑफ डिस्ट्रेस को किसी को भी सेफ गार्ड जो है वो नहीं कर रही. तो अब हमने यही मॉडल था जिस मॉडल की हमने बात की थी, इस मॉडल को हमने डिस्कस किया. सो दिस पेयर ऑफ इनइक्वालिटीज विच बॉयल्स डाउन टू पी नॉट लेस देन वन लेस देन पी वन in the no liquidity shock case, that is lambda
is equal to 0 of section 3.4 will, as we will see, imply that investing has a positive NPV, but also that the NPV that the entrepreneur is constrained in her borrowing. ये सारे का सारा जो है वो हमने सेक्शन 3.4 से लिया है. इसको जो है वो आप चाहें तो इसको आप जो है वो डिलीट भी कर सकते हैं. तो ये आपके लास्ट सेक्शन 3.4 से आ रहा है. इसको अगर हम इग्नोर भी कर दें इस सब को जो है और बाकी डिस्कशन को इंटैक्ट रखें, इट इम्प्लाइज डैट इन्वेस्टिंग हैज अ पॉजिटिव एनपीवी. इसका मतलब ये कि हमारे पास अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी होगी. पॉजिटिव एनपीवी क्यों होगी, क्योंकि हमने जैसे लास्ट सेक्शन में भी डिस्कस किया कि अगर आप री इन्वेस्ट नहीं करेंगे या इन्वेस्टर्स री इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं देंगे तो उस सूरत में तो आपकी इन्वेस्टमेंट लिक्विडेट हो जाएगी और जीरो मिलेगा. और अगर जो है वो री इन्वेस्टमेंट, जी अली मैं आपकी तरफ आता हूँ वापस, जैसे ये डिस्कशन के बाद मैं आपके वापस आता हूँ आपके क्वेश्चन की तरफ. और अगर इन्वेस्टर्स री इन्वेस्टमेंट की परमिशन दे देंगे तो उनको जो है वो आगे कुछ ना कुछ अमाउंट मिल सकेगी. शायद प्रॉफिट उनका कम हो जाएगा लेकिन बहरहाल कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल जाएगा एज कम्पेयर टू जीरो अगर वो री इन्वेस्टमेंट की परमिशन नहीं देते. लेकिन इसमें एंटरप्रेन्योर अपनी बोरिंग में कंस्ट्रेंड होता है, उसको बोरिंग करते हुए उसको ट्रबल्स फेस करनी पड़ती हैं. इन द केस ऑफ कंटिन्यूएशन द एंटरप्रेन्योर ऑप्टिमली रिसीव्स जीरो इन द केस ऑफ फेलियर. अगर जो है वो एंटरप्रेन्योर जो है वो अगर आपको प्रोडक्ट फेल हो जाता है तो उसको जीरो मिलेगा, और अगर जो है वो आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको आर बी मिलेगा. वेयर आर बी इज लार्ज इनफ सो एज टू इंसेंटिवाइज हियर. और इसमें आपका आर बी, ये जो आपको रिमेनिंग प्रॉफिट मिलना है ये आपके प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होना चाहिए ताकि जो एंटरप्रेन्योर है उसको ये इंसेंटिव रहे कि मैंने इस आर बी के लिए काम करना है. तो ये जो हमने कंडीशन लास्ट टाइम बनाई थी डेल्टा पी आर बी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू बी आई, कि जो आपका आर बी है वो आपके प्राइवेट बेनिफिट से ज्यादा होना चाहिए या कम अज कम इक्वल तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए. अगर प्राइवेट बेनिफिट ज्यादा हो गया तो फिर तो एंटरप्रेन्योर जो है वो मिसबिहेव करेगा और प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा. तो इस वजह से आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपका जो आर बी है जो रिमेनिंग जो प्रॉफिट होगा सक्सेस की सूरत में एंटरप्रेन्योर का वो आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होनी चाहिए. जी अब इसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कशन कर ली कि जो हमारे पास टर्म स्ट्रक्चर है और जो लिक्विडिटी स्केल ट्रेड ऑफ है फॉर द कैश रिच फर्म एंड कैश पुअर फर्म वो क्या होगा. नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट. अब इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमने बात की कि जी लिक्विडिटी शॉक फेस करना पड़ेगा, कैश डेफिशिएंसी होगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, वो मिलेगी या नहीं मिलेगी उस पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो डिपेंड कर रहा था. तो अब जो है वो हमारे पास अब हमने इस चीज़ को देखना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितनी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कितनी टेक्निक्स या मेथड्स अवेलेबल हैं कि वो अपनी इस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं. जो लिक्विडिटी शॉक के रिस्क की हमने बात की है, या हमने जो है वो कैश शॉर्टेज की बात की है, री इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी तो आपका प्रोजेक्ट क्लोज हो जाएगा, फर्म बंद हो जाएगी. अब इस रिस्क मैनेजमेंट को कैसे आपने जो है वो कंट्रोल करना है, आपने इस रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है, कैसे मैनेज करना है, इट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट. सो रिस्क मैनेजमेंट इज रैंक्ड बाय द फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव्स CEOs and investors as one of their most important concerns. तो जो risk management होती है आपके जितने भी finance related persons हैं, top executives, वो financial executives हैं, CEOs हैं, CFOs हैं, investors हैं, ये इनके लिए सबसे important element होता है corporate risk management. Firms can hedge against risk in a variety of ways. तो जो companies हैं वो risk management के लिए या hedging against risk के लिए different मेथड्स यूज कर सकते हैं. दे कैन ट्रेड इन फॉरवर्ड फ्यूचर मार्केट्स,
और इंटर स्वैप एग्रीमेंट्स विच आर डेट इन ओवर द काउंटर डील्स डेट अप्लाइज टू पार्टी टू एक्सचेंज वेल डिफाइंड कैश फ्लोज एट स्पेसिफाइड डेट्स इन ऑर्डर टू कवर देयर एक्सपोजर टू प्राइस वेरिएशन। तो अगर हम फील कर रहे हैं कि जी हमें इस टाइम पे जाके कोई लिक्विडिटी शॉर्टेज आ सकती है, लिक्विडिटी शॉक हो सकता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ पे जो हम हमारे पास डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं जिसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, स्वैप्स हैं, इनको आप यूज कर सकते हैं, इनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें आप इस चीज़ को डील करते हैं कि जी हम इस टाइम पीरियड पे जाके कितना कैश जो है वो हम रिसीव करेंगे या पे करेंगे, वट एवर जो भी आपके सर्कमस्टांसिस हैं। तो आप डेरिवेटिव सिक्योरिटीज को यूज करते हुए जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनको आप यूज करते हुए जो है वो आप अपने रिस्क को जो है वो मैनेज करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास जिसका भी माइक ऑन है काइंडली जरा इसको ऑफ कीजिएगा। सर ये आपकी आवाज बिल्कुल कट गई। हमने ये जो थर्ड पॉइंट के अंदर बात की है इसमें हमने ये कहा कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए डेरिवेटिव सिक्योरिटीज को यूज करती हैं। डेरिवेटिव सिक्योरिटीज क्या होती हैं ये हम इसको फर्दर आगे डिस्कस भी करेंगे जाके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज हैं वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो स्वैप एग्रीमेंट्स होते हैं। कुछ लोगों ने आपको इन्वेस्टमेंट में या इंटरनेशनल फाइनेंस में या कॉर्पोरेट फाइनेंस में इनको शायद कुछ कहीं पे पढ़ा होगा, मैं जस्ट यहाँ पे इतना इनको मैं बताऊँ कि ये डेरिवेटिव सिक्योरिटीज क्या हैं, जो फॉरवर्ड है, फ्यूचर है, स्वैप है, ये आप करंट टाइम पीरियड पे एग्रीमेंट करते हैं, करंट टाइम पीरियड पे एग्रीमेंट करते हैं और उसके बाद फ्यूचर टाइम पीरियड पे जो है वो आप जाके आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पहले हो जाता है और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जाता है वो आपका फ्यूचर टाइम पे जाके जो है वो उसको जो है वो डील किया जाता है, फ्यूचर टाइम पे उसको जाके जो है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट इसमें पॉइंट की बात करते हैं जी। सो मल्टीनेशनल्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रूटीनली ऑब्टेन सच इंश्योरेंस अगेंस्ट करेंसी और इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो रूटीनली, वो कॉमन चीज है उनके लिए कि वो इन डेरिवेटिव्स को यूज करते हुए अपने जो करेंसी रिस्क का एक्सपोजर है, जो करेंसी से उनको रिस्क होता है या इंटरेस्ट रेट का जो रिस्क होता है वो उसको इंश्योर कर लेते हैं, वो उसको सिक्योर कर लेते हैं इन डेरिवेटिव्स के थ्रू। एंड प्रोड्यूसर्स और बायर्स ऑफ रॉ मटेरियल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स सिमिलरली इंश्योर अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशन बाय ट्रेडिंग इन कमोडिटी फ्यूचर्स। और जो रॉ मटेरियल्स के बायर्स हैं या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बायर्स होते हैं वो अपनी इस अनसर्टेनिटी या रिस्क को भी सिक्योर कर लेते हैं डेरिवेटिव्स के थ्रू। वो किन डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करते हैं, वो कमोडिटी फ्यूचर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन वो होती हैं जिनका, जिन्होंने करंसी या इंटरेस्ट रेट रिस्क को कवर करना है, तो ये करंसी या इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स पे फोकस करते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिन्होंने कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं उस रिस्क के अगेंस्ट खुद को सेफगार्ड करना है, तो ये कमोडिटी फ्यूचर्स में इन्वेस्ट कर लेते हैं। अदर हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स सच एज सिक्योरिटाइजेशन इन विच द इशुअर सेल्स पार्ट ऑफ हर पोर्टफोलियो ऑफ लोन्स एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एटलीस्ट reduces the risk borne on the corresponding assets if she keeps some liability. और थर्ड जो इनके अलावा जो आपके पास हेजिंग हो सकती है वो सिक्योरिटाइजेशन है। सिक्योरिटाइजेशन क्या होती है, इसमें जो इश्यूअर होता है उसने अपने जो पोर्टफोलियो ऑफ लोन जो उसने इशू किया हुआ है उसको वो सेल कर देता है, या वो अपने कुछ एसेट्स को सेल कर देता है, या वो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सेल कर देता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी गुडविल है, कॉपीराइट्स है, पेटेंट्स है, उसको सेल करके वो हेजिंग कर लेता है। या नेक्स्ट क्या हो सकता है, एंड स्टेट इंश्योरेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक, आप सीधी सीधी इंश्योरेंस ले लेते हैं, स्टेट इंश्योरेंस ले लेते हैं, वो इंश्योरेंस किसके अगेंस्ट ले सकते हैं, यू कैन टेक इंश्योरेंस अगेंस्ट थेफ्ट, फायर, डेथ ऑफ की एम्प्लॉई, गारंटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगेंस्ट डिफॉल्ट ऑन अ क्लेम such as receivable and so forth. तो इन
तो ये डिफरेंट है, आप डेरिवेटिव को यूज कर सकते हैं, जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव हैं, आप कमोडिटी फ्यूचर्स को यूज कर सकते हैं, आप सिक्योरिटाइजेशन को यूज कर सकते हैं, आप स्टेट इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो ये डिफरेंट मेजर्स की हमने बात की है जो आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करें, द कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट इज नॉट ड्रिवन बाय द डिजायर टू प्रोवाइड क्लेम होल्डर्स विद इंश्योरेंस। जो ऑर्गेनाइजेशन रिस्क मैनेजमेंट कर रही होती है उसका सिर्फ ये पर्पज नहीं होता कि जो आपके क्लेम होल्डर्स हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं या डेट होल्डर्स हैं या आपके शेयर होल्डर हैं, सिर्फ उनको इंश्योरेंस दी जाए। बट देर आर टू वेज टू सी इट। इसके दो रीजन है। फर्स्ट, क्लेम होल्डर्स कैन ऑब्टेन दिस इंश्योरेंस बाय डाइवर्सिफाइंग देयर ओन पोर्टफोलियो। जो आपके क्लेम होल्डर्स हैं, बॉन्ड होल्डर्स या डेट होल्डर्स या शेयर होल्डर्स, वो खुद से डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। वो एक कंपनी में डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट ना करें, वो दो तीन पाँच दस एक कंट्री में, दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करके अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करें। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर्स रिस्क फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर एंड देयरफॉर डज नॉट अफेक्ट द एग्रीगेट अनसर्टेनिटी। जो इंश्योरेंस होती है वो आपके रिस्क को ख़त्म नहीं करती, वो बल्कि रिस्क को एक पार्टी से दूसरी पार्टी पे ट्रांसफर कर देती है। मींस कंपनी ने अगर इंश्योरेंस ले ली है तो रिस्क खत्म नहीं हो गया, बल्कि जो रिस्क है वो कंपनी ने ट्रांसफर कर दिया है इंश्योरेंस कंपनी को। तो एग्रीगेट अनसर्टेनिटी, एग्रीगेट रिस्क वहीं पे रहता है लेकिन रिस्क एक बंदे से दूसरे बंदे पे ट्रांसफर हो जाता है। बाय कंट्रास्ट, द कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट कैन बी रैशनलाइज्ड बाय एजेंसी बेस्ड क्रेडिट रेशनिंग कंसिडरेशन। जो हम कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ये एजेंसी बेस्ड कंसिडरेशन है, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस भी की है। फ्रूट, सो वी टेक एन एग्जांपल ऑफ फ्रूट एट ऑल स्टडी रिस्क मैनेजमेंट। हम इसको नेक्स्ट सेशन में इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, ये लास्ट स्लाइड हम इसको जस्ट कंप्लीट कर रहे हैं। दे स्टडी द रिस्क मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इन ए सिक्वेंशियल कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्टेक्स्ट। फ्रूट एट ऑल ने रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को सिक्वेंशियल कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया। इन अ फर्स्ट स्टेज, उन्होंने फर्स्ट स्टेज पे कहा, एन एंटरप्रेन्योर हु हैज नॉट येट इश्यूड सिक्योरिटीज टू इन्वेस्टर्स फेसेस एन अनसर्टेन शॉर्ट टर्म इनकम। वो इन्वेस्टर जिसने, वो एंटरप्रेन्योर जिसने अभी तक सिक्योरिटीज को इश्यू नहीं किया, उसको शॉर्ट टर्म इनकम की अनसर्टेनिटी है। सेकेंड स्टेज, दिस शॉर्ट टर्म इनकम सर्व्स इन द एब्सेंस ऑफ हेजिंग। ये शॉर्ट टर्म इनकम हेजिंग की सूरत में उसका रिस्क है, एज कैश ऑन हैंड फॉर द सेकेंड स्टेज इन्वेस्टमेंट। अगर उसके पास कैश कम होगा तो सेकेंड स्टेज पे जो इन्वेस्टमेंट करनी है वहां पे अनसर्टेनिटी होगी। द सेकेंड स्टेज इन्वेस्टमेंट इज फाइनेंस्ड बाय रिजॉर्टिंग टू बोरोइंग फ्रॉम इन्वेस्टर्स। फिर आपको वहां पे फर्दर बोरोइंग करनी पड़ेगी इन्वेस्टर से। बट एज इन चैप्टर 3, एजेंसी कॉस्ट मे एक्सपोज द एंटरप्रेन्योर टू क्रेडिट रेशनिंग। एजेंसी कॉस्ट की वजह से आपको क्रेडिट रेशनिंग पे जाना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर को। द एंटरप्रेन्योर इन द फर्स्ट स्टेज कैन चूज टू स्टेबलाइज हर शॉर्ट टर्म इनकम। तो फर्स्ट स्टेज पे एंटरप्रेन्योर क्या कर सकता है, वो अपनी इनकम को, शॉर्ट टर्म इनकम को स्टेबलाइज करे, वो हेजिंग करे, अपनी इनकम कैश फ्लो को सिक्योर करे।